ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय ने अपने ग्रेसफुल वर्क और चार्मिंग पर्सनालिटी से पेरिस फैशन वीक में खूब जलवे बिखेरे। एक्ट्रेस रेड बलून हेम ड्रेस पहनकर रैंप पर उतरी, लेकिन इस दौरान ऐश्वर्या वार्डरोब मैलफंक्शन का शिकार हो गई। मगर उन्होंने पूरी सिचुएशन को इतने ग्रेस से संभाला कि किसी को पता तक नहीं चला। दरअसल ऐश्वर्या ने रैंप वॉक के समय रेड कलर की जो बलून ड्रेस पहनी थी उसमें 7 मीटर की लंबी ट्रेन भी अटैच थी। इस ट्रेन पर ब्रांड की टैगलाइन लिखी थी। कई लोग ड्रेस की लॉन्ग ट्रेन को पकड़कर स्टेज तक आए थे, लेकिन फिर जैसे ही ऐश्वर्या ने रैंप वॉक करना शुरू किया ये ट्रेल ड्रेस से निकलकर वहीं गिर गई। लेकिन ऐश्वर्या ने अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से किसी को भी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी ड्रेस का एक पार्ट वॉक से पहले ही गिर गया है। ऐश्वर्या ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्वैग से रैंप पर जलवा बिखेरा। जब वॉक पूरी होने के बाद ऐश्वर्या ने ड्रेस के ट्रेन को उठाकर अपने गाउन से दोबारा अटैच किया, तब लोगों को इस चीज का एहसास हुआ। ऐश्वर्या के कॉन्फिडेंस के फैंस हो गए हैं, उन्हें फैंस से खूब प्यार मिल रहा है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।